आईपीएल 2023 का 27वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच मोहाली के पीसीए स्टेडियम में खेला गया। दोनों टीमों का यह छठा मुकाबला था। इस मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 24 रनों से हराकर सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की। आज के मैच में भी पंजाब किंग्स की कप्तानी सैम करन कर रहे थे तो आरसीबी की कमान आज विराट कोहली के हाथों में थी। नियमित कप्तान डुप्लेसिस इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलने उतरे थे और उन्होंने 84 रनों की पारी खेली। इस मैच में टॉस हारकर आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। विराट कोहली और पाप डुप्लेसिस ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाए और आरसीबी के लिए पांचवी सबसे बड़ी साझेदारी पूरी कर दी। दोनों ने 97 गेंद यानी 16.1 ओवर में 137 रन जोड़े। हालांकि इसके बाद पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। उसके बाद आखिरी 23 गेंदों पर आरसीबी की टीम सिर्फ 37 रन ही बना सकी। अंत में टीम का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन था। डुप्लेसिस ने 84 और विराट ने 59 रनों की पारी खेली। जवाब में पंजाब किंग्स की शुरुआत आज बेहद खराब रही। 3.2 ओवर में 27 रन पर ही टीम के 3 अहम विकेट गिर गए थे। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह 46 में एक छोर संभाले रहा, लेकिन 76 रनों पर पंजाब की आधी टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद अंत में जितेश शर्मा ने 27 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली और पंजाब की उम्मीदों को जगाया, लेकिन मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पंजाब के बल्लेबाज फंस गए। सिराज ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं वानिंदु हसरंगा ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। सिराज ने पंजाब के 4 बल्लेबाजों को पेवेलियन का रास्ता दिखाया और एक बेहतरीन रनआउट भी किया, जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।